पत्रकारिता के पाठ्यक्रम से जुड़े एमटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर मध्य प्रदेश के छात्रों का एक दल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनीष दुबे के नेतृत्व में चंडीगढ़ के दौरे पर पहुंचा। इस दल ने चंडीगढ़ से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र दैनिक अर्धप्रकाश कार्यालय का दौरा किया। दर्जनों छात्र छात्राओं ने समाचार पत्र की बारीकियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने जानना चाहा कि जो घटना शहर के किसी दूसरे कोने में घटती है उसकी जानकारी समाचार पत्र के संबंधित संवाददाता को किस प्रकार मिलती है और वह संबंधित घटनाक्रम पर पहुंचकर अपने कार्य को अंजाम कैसे देता है। प्रत्येक छात्र ने समाचार पत्रों की रूपरेखा और समाचारों के चयन और उनके लेखन कला से लेकर समाचार पत्र की छपाई तक के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने यह भी पूछा कि खबरों की गुणवत्ता की चयन प्रक्रिया किस प्रकार होती है और किस प्रकार से इनकी महत्ता की जांच और परख की जाती है। उनका यह भी कहना था कि अच्छा पत्रकार बनने के लिए कौन सी प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया जाता है, समाचार पत्रों में छपी खबरों की प्लेसमेंट और संबंधित समस्याओं का निदान किस प्रकार किया जाता है। अर्धप्रकाश में आए तो कैसा लगा आपको आके? मैं दैनिक अर्धप्रकाश में आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। खासतौर से हम बीजेएमसी जर्नलिज्म वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई यहाँ पे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डील किया गया आप लोगों ने और बहुत अच्छे से आपने क्वेश्चंस को डील किया है। सारे लोगों ने हमारे क्वेश्चंस जो हमें नहीं पता था, आंसर जिनके नहीं पता थे, उनको हमें बहुत अच्छे से बताया। मैम आप जर्नलिज्म कर रही हैं, ठीक है, बीजेएमसी आप कर रही हैं और आप हमारे ऑफिस में आ जाइए हैं, तो आपने बीजेएमसी की पढ़ाई से अलग क्या सीखा हमारे ऑफिस में आके? यहाँ पे एज यू नो कि बीजेएमसी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। तो नीचे आज हमने जहाँ देखा, जहाँ पे प्रिंटिंग होती है बेसिकली, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने आज तक किताबों में देखा था, तो आज हमने रियल में यहाँ पे ज्ञान लिया है कि कैसे क्या प्रिंटिंग होती है, कौन सी क्या मशीन होती है, हमारे न्यूज़पेपर में कितने एडिटर्स होते हैं, कितने क्या होते हैं। तो ये सारी जानकारी आज मैं हमारे पूरे स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिली है। तो आप कभी काम करना चाहेंगी यहाँ पे? बिल्कुल काम करना चाहूँगी और अगर मैं मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं इंटर्नशिप के लिए। कहाँ से आप? मैं झांसी से। झांसी। मेरा नाम अपूर्वा है। मैम आज आप हमारे ऑफिस में आए हैं अर्धप्रकाश के, तो आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को हम लोग को इनवाइट करने के लिए, एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आप लोगों ने जिस डिटेलिंग के साथ हमें प्रेस का कैसा वर्क होता है, मशीनरी कैसे काम करती है और अलग अलग पोजिशन और किस हिसाब से सीक्वेंस और हायरार्की से चलता है काम, उसके बारे में बताया, उसके लिए थैंक यू सो मच। जो आपने हमको नॉलेज दी वो हमारे फ्यूचर में काम आएगी, उसके लिए थैंक यू। एंड आई होप कि फ्यूचर में मैं प्रिंट में या जो भी मीडिया में काम करूँ मुझे इन्फॉर्मेशन काम। मैम आप बीजेएमसी कर रही हैं, बीजेएमसी की पढ़ाई से रिलेटेड आपको हमारे ऑफिस में आकर हमारे लोगों से, हमारे एडिटर से या रिपोर्टर से क्या कुछ सीखने को मिला उसके बारे में बताएं? सीखने को तो बहुत कुछ मिला। आप लोगों ने जिस तरीके से हमें समझाया, जो बारीकियों से आपने हमें बताया कि एक प्रेस में या एक न्यूज़ एजेंसी में या न्यूज़ चैनल में किस तरीके से काम होता है, उसका यूज़ मेरे फ्यूचर में और मेरे करियर में बहुत अच्छे तरीके से होगा, तो इसके लिए भी थैंक यू सो मच और मुझे बहुत कुछ नॉलेज मिली यहाँ पर आकर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। मेरा नाम जोगन नवरिया, अमेठी विश्वविद्यालय ग्वालियर से बीजेएमसी का छात्र हूँ। आज आप हमारे अर्धप्रकाश के ऑफिस में आए तो आपको कैसा लगा? मैं आज अर्धप्रकाश के ऑफिस में मुझे बहुत अच्छा लगा कि अर्धप्रकाश के चीफ संपादक जी ने मुझे इन्वाइट किया, सारे हमारे साथ के छात्रों को, फैकल्टी भी आई यूनिवर्सिटी से, और पहली बार मैंने जाना कि वास्तव में पत्रकारिता के क्षेत्र में नीचे से रिपोर्टिंग से लेकर वो जो पेपर प्रकाशित हो गए जनता तक जाता है वो कैसे जाता है। हम बीजेएमसी के छात्र हैं, हमें बहुत जाना, क्योंकि मैंने अपने विश्वविद्यालय में इससे रिलेटेड पढ़ाई तो की किताबी ज्ञान, लेकिन रियलिटी चीज़ जो फील्ड की चीज़ है वो आज मैंने जाना। इसके लिए मैं अर्थप्रकाशक की संपूर्ण टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बिल्कुल बेसिक शुरुआत से लेकर रिपोर्टिंग से लेकर और जहाँ तक प्रिंट से लेकर फाइनल पब्लिश तक बिल्कुल डिटेल में इन डेप्थ हम लोगों को जानकारी दी। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्धप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।